गुड मॉर्निंग दोस्तों, मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। और मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं अपने दिल की कोई बात आपको शेयर करती हूँ, वो एक अलग सुकून देता है। बताएं, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोगों को ऐसा हो गया है कि इस बॉडी टाइप को ये कपड़े पहनने चाहिए, इसको ऐसे पहनने चाहिए, और लोग क्रिटिसिज्म को इतना कर रहे हैं, मतलब फॉलो, मतलब वो ऐसा सोचते हैं दूसरे की बॉडी को, आपको खुद को सही करना है। मीन्स आपको ऐसे उनको जज करते रहोगे 24 आवर्स कि आप ये कपड़े पहनो, इसने ये क्या पहन लिया। लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ कि आपको इंजॉय करना है इस प्रोसेस को। अगर आप कोई भी कपड़े पहनो तो उसमें इतनी एनर्जी डालो कि मज़ा आ जाए वो कपड़े पहन के, चाहे वो कितना ही सिंपल कपड़ा हो, मतलब उसमें कुछ भी, कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं हो, कुछ भी डिफरेंट नहीं हो, बट वो जो आप कपड़ा पहन रहे हो वो अपने आप में इतना यूनिक है, उसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, उसमें आपकी इतनी सारी एफर्मेशंस हैं कि वो जो कपड़ा पहन रहे हो आप इतने ज़्यादा उसमें अलग लग रहे हो। और दूसरा, आपको कॉन्फिडेंस को वेयर करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है और आप कुछ पहन के जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप सबसे कम लग रहे हो, क्योंकि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो फिर आप वही सब अट्रैक्ट कर रहे हो ऑब्वियसली। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान देना है कि आपको जो भी पहनो उसमें इतनी खुशी महसूस करनी है कि मज़ा आ जाए। और तीसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि हमेशा ऐसा एक लाइफस्टाइल ऐसी बनानी है जिसमें मतलब सिंप्लिसिटी हो। ऐसा नहीं कि आपने बहुत कुछ कर लिया है और अपनी मतलब टैटू भी गुदवा ली है। मैं ये नहीं कह रही कि टैटू गुदवाना अच्छा बात नहीं है, ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। बट अब एक चीज़ सोचो कि आप किसी भी पैरामीटर से आप अच्छे ही लगते हो, बस दैट्स इट। इतनी सोच आपको रखनी है और किसी को जज आप नहीं करो, वो ज़्यादा अच्छा है। और आपको आपको जज करे तो आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कोई जज नहीं है, उसको जज करते रहने दो, आप अपने अकॉर्डिंगली उस चीज़ में मज़ा लो, दैट्स इट। चलिए, लेती हूँ मैं विदा। वैसे आगे और भी यही टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और इस पर अपनी नई नई विचारधाराओं को एक्सचेंज करेंगे। धन्यवाद।